तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है ये माउस का जो एरो होता है, हम इसको साइज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम साइज़ को इसको कैसे घटा या बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये देखिए मेरे पास ये विंडो 10 है और हमें जाना है सेटिंग पर। फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए जिस तरीके आपको ये विंडो का जो आइकन है, इसी तरीके से आपको नीचे भी ये विंडो का आइकन नज़र आ रहा होगा। हमें इसे क्लिक करना है, इसे बोलते हैं फ्रेंड सेटिंग। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा और हमें जाना है यहाँ पर सेटिंग पर। आपको ये दिख रही, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, हमें जाना है सेटिंग पर, जाना है क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, जो कि हमें जाना है डिवाइस पर। डिवाइस पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का जो आइकन है आपको नज़र आ रहा होगा और हमें जाना है लेफ्ट साइड में। आप देख सकते हैं माउस पर जाना है, हमें क्लिक करना है। माउस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके का आपको इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। और ये देखिए हमें जाना है, ये देखिए एग्जैक्ट माउस पर क्लिक करना है। आपको दिख रहा होगा राइट साइड में एग्जैक्ट माउस पर जाना है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें जाना है माउस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ रहा होगा और हमें यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एरो का आपको निशान दिख रहा होगा, ये बड़ा वाला भी दिख रहा होगा और ये छोटे वाला भी दिख रहा होगा। और ये जो लाइन है फ्रेंड्स, हमें इससे कंट्रोल करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ इतना बड़ा हो जाए या फिर इतना, या फिर हम इसके साइज़ को कितना भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये साइज़ में बड़ा होता जा रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये देखिए, ये अपने आप ही, ये जो हमारा एरो है आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा ये हो चुका है। इसी तरीके से आप भी अपने जो आइकन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारा माउस का जो आइकन होता है उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम इसको दोबारा से अपने साइज़ पर ले आते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये अपने साइज़ पर वापसी आ जाए। तो हम इसी तरीके से यहाँ से हम इसको अपने साइज़ पर ले आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो ये माइक का जो आइकन है वो अपने साइज़ पर वापसी आ गया है। इसी तरीके से आप भी अपने जो माउस के आइकन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।